वरना रोक नहीं पाएंगे। हम वो कौन से हैं, अगर हम बर्बाद करने पाएंगे तो छोड़ेंगे नहीं, किसी भी देश को खत्म कर देंगे। इतना गुस्सा है, इतने जज्बात होते हैं, वरना रोक नहीं पाएंगे। हम वो कौन से हैं, अगर मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना, ये कहावत हमारे देश में आपसी सौहार्द बनाने के लिए हमेशा इस्तेमाल होती रही है। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने मजहब का फ़ायदा उठाकर देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। ऐसे ही हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र नेता फैजुल हसन। आज समय भारत इनकी रिपोर्ट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये वही छात्र नेता हैं जो खुले मंच पर भारत को बर्बाद करने की चेतावनी दे रहे हैं। इनका कहना है कि मुसलमानों का एहसान है कि अब तक इन्होंने देश को बर्बाद होने नहीं दिया। आप खुद ही सुन लीजिए इन महाशय को और अंदाजा लगाइए कि यदि ऐसे युवा भारतीय राजनीति में आगे गए तो देश की तस्वीर क्या हो सकती है। और यहाँ पर तोड़फोड़ किया गया, तो सब्र की अगर सीमा अगर सबसे ज्यादा देखना है, सब्र देखना है दुनिया में कहीं, तो हिंदुस्तानी मुसलमानों का सब्र देखिए। 47 से बाद 2020 तक ये सब्र है जो मुसलमान कर रहे हैं। कभी कोशिश नहीं किया कि हिंदुस्तान टूट जाए, वरना रोक नहीं पाएंगे। हम वो कौन से हैं, अगर हम बर्बाद करने पाएंगे तो छोड़ेंगे नहीं, किसी भी देश को खत्म कर देंगे। इतना गुस्सा है, इतने जज्बात होते हैं, लेकिन कभी नहीं चाहते कि अपना मुल्क को बचाने के लिए हमने लड़ा है, अपने गले को कटवाया है इस मुल्क को, तो हमेशा बचाने की कोशिश करेंगे। तो अमित शाह उस चीज पर न करें जो उनके लोग करते आ रहे हैं कि गला भी काटते हैं और उसके बाद जो है धमकी भी दे रहे हैं, तो वो डराए नहीं, आए डिबेट करें हमारे एक 12th क्लास के बच्चे से। और मैं उम्मीद करता हूं कि वे जीत नहीं पाएंगे। वो 5 पॉइंट दे दे, मैं उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा, प्रोटेस्ट करूंगा सीए के फेवर में, लेकिन 50 पॉइंट मैं दे दूंगा निगेटिव में। सीएनआरसी उनके लिए के खिलाफ में है कि कल को जब उन सत्ता से हटेंगे तो सबसे पहले वो भी बाहर निकाले जाएंगे, सबसे पहले उनका भी बर्थडे सर्टिफिकेट। ठीक है, शुक्रिया, जजाक अल्लाह।